ध्यान दीजिए, सिर्फ पेट्रोल डीजल ही महंगा नहीं हुआ। 2014 के पहले सीमेंट की कीमत 195 रुपए थी, अब 410 रुपए है। स्टील की कीमत 3600 रुपए थी, अब 6500 रुपए है। रेत की 1500 रुपए की ट्रॉली आज 6000 रुपए में मिलती है। मोटरसाइकिल की कीमत 50000 रुपए थी, अब 90000 रुपए में मिलती है। मेडिक्लेम बीमा 1049 रुपए प्रति 1,00,000 था, अब 4100 रुपए है। डिश रिचार्ज 110 रुपए था, अब 450 रुपए है। 350 रुपए का था गैस सिलेंडर, अब 1000 रुपए के आसपास है। गैस सब्सिडी 250 रुपए थी, अब 0 है। यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम 100 रुपए, अब 10000 रुपए। 60 साल में देश पर था 55000 करोड़ का कर्ज, अब 1,08,000 करोड़ है। ड्राइविंग लाइसेंस 250 रुपए में बनता था, अब 5,500 में बनता है। घरेलू असलाह का रिन्यूअल 1,000 रुपए में होता था, अब 6,000 रुपए में होता है। 40 करोड़ गरीबी रेखा में थे, अब 80 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे जा चुकी है। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए का था, अब प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का हो गया है। मिट्टी का तेल 20 रुपए लीटर था, अब 60 रुपए प्रति लीटर है और मिलना भी बंद हो चुका है। मोबाइल इनकमिंग फ्री था, अब इनकमिंग जारी रखने के लिए 79 रुपए प्रति माह देना पड़ता है। एटीएम से पैसे निकालने का चार्ज 0 था, अब 3 बार से ज्यादा निकालने पर हर बार 105 रुपए लगते हैं। सकल घरेलू उत्पाद +11% था, अब -24% है। बेरोजगारी दर 2% थी, अब 22% से भी ज्यादा है। 7 साल बीत चुके हैं, इन कार्यों में से क्या हुआ? ना कोई अस्पताल बनाया गया, ना वाड्रा को जेल भेजा गया, ना ही हम विश्व गुरु बन पाए, ना 15,00,000 प्राप्त हुए। कोई काला धन वापस नहीं आया, ना दाऊद, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या या किसी एक बैंक भगोड़े को पकड़कर भारत वापस लाया गया। 7 साल में कोई रोजगार नहीं, ना गंगा मैया स्वच्छ हो पाई, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुके, कोई स्मार्ट सिटी नहीं मिला, कोई बुलेट ट्रेन नहीं चली, कोई आतंकवादी गतिविधि या घटना नहीं रुकी, कोई मुद्रा स्फीति कम नहीं हुई, कोई पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ, किसी किसान को सही कीमत नहीं मिली, कोई कश्मीरी पंडित घर नहीं लौटा, न स्टार्टअप इंडिया, न मेक इन इंडिया, न स्किल इंडिया और न